कितना समय लगेगा? इस तेजी से तो एक महीना लगेगा पहुँचने में। एक महीना? हमें 10 दिन में पहुँचना ही होगा। जल्दी, हमें जल्दी पहुँचना है। ये तो आग की तरह लग रहा है। शर्त लगा लो, इंसानों का ही काम होगा ये। हो सकता है, पर इतनी बड़ी आग लगी है। सिम्बा, हमको जल्दी घर जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। सही बोल रहे हो, चलो। आग, आग, सभी लोग सवार चट्टान पर मिलो, ये गंभीर समस्या है। देर मत करो, चलो चले। सभी लोग कृपया सवार चट्टान पर मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वहां भयंकर आग लगी हुई है। हमारे बहुत सारे दोस्त वहां फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाना है, पर संभल कर, आग फैल रही है। मुझे यकीन है ये आग इंसानों ने लगाई है, हमें इसे रोकना ही होगा। हाथियों को बुला कर लाता हूँ मदद के लिए। नहीं नहीं, गाँव से लेकर आ रहा है। तो हमें आग रोकने का तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। वो हम कैसे कर सकते हैं, बताओ हमें। एक खाली जगह, कोई भी ऐसी चीज जिससे आग फैले, उसे हटाना होगा इस जंगल से, समझ गए? मैं समझ रहा हूँ। सिम्बा, बकशॉट, सबको आग के बारे में बता दो। ठीक है। देखो वो लोग जा रहे हैं। जल्दी करो, वो लोग हमें सवाना जाने का रास्ता बता देंगे। वो देखो बकशॉट, ये तो बढ़ते ही जा रही है। अब हम क्या करें? हवा से वो और फैल रही है। अगर हम अगस्त्या की योजना से चले तो हम फंस भी सकते हैं। अब क्या करें? उत्तरी, चुप करो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शायद नहीं। मैं जाके आर्बर से बात करता हूँ, उसको पता होगा इसको रोकने का तरीका। ठीक है, तुम जाकर बात करो, मैं सबको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। इसके पीछे चलो। यही सब है? हाँ, तुम सब जा सकते हो। ओमान इंतजार कर रहा है। ये सफर खत्म हुआ मेरे बच्चों। तुम सब ओमान के साथ महफूज रहोगे। आर्बर, जंगल में आग लग गई है। मुझे पता है ये खतरनाक है, पर हमें आग को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। पर आर्बर, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, काटने पड़ जाएंगे। वो तो वैसे भी जलने वाले हैं, अभी तो हमें सिर्फ आग रोकनी है। इस तरफ। जल्दी करो बेटू, भागते रहो, अब भागो। सिम्बा, ओह सिम्बा, मुझे एक तरीका मिल गया है। हमको ये सारी आग दलदल से बुझानी होगी। दलदल से? पर वो तो बहुत दूर है। मुझे पता है, पर मुझे यही करने के लिए बोला है। किसने बोला तुम्हें ऐसा? आर्बर, अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी बात माननी होगी। आर्बर सच बोलता है। तुम्हें जल्दी करनी होगी, अभी काफी काम बाकी है। दलदल की तरफ सब लोग।
कहाँ आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। क्या दलदल? रुको दोस्तों, आग ने अपनी दिशा बदल दी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। रुको, अपनी ताकत बर्बाद मत करो, आग दलदल की तरफ जा रही है, हम सबको भी वहां जाना चाहिए। चलो दोस्तों चलते हैं। ओह, आर्बस सही थे, उन्हें कैसे पता चला ये सब? उसने हवा की दिशा पता कर ली होगी। मैं ऊपर जाकर आग को देखता हूँ। ठीक है। ये अच्छी खबर नहीं है। पतलू, क्या हो रहा है वहाँ? ये तो बहुत बुरा है, अब मैं आ रहा हूँ नीचे। तो तुमने क्या देखा, आग का क्या हुआ? वो बढ़ती जा रही है पहाड़ की तरफ। पहाड़? मतलब वो आग नहीं बुझा पाएंगे? वो लोग इसे दलदल के पास ही रोक लेंगे, और पहाड़ सूखी घास से भरा हुआ है। पर उस वक्त सब लोग दलदल के पास आग से लड़ रहे होंगे, आग पहाड़ों को भी जला देगी। चलो जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यही मौका है बहादुरी दिखाने का। चलो। जान बचाकर भागो साहब। हमें आग को रोकना ही होगा। मैं और मदद लाने की कोशिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ इसे कैसे रोक सकते हैं। बचाओ। पतलू, क्या कर रहे हो तुम? रुको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पत्ता मुझे खींच रहा है। मोटू बचाओ मुझे। रुको, हमने पत्ती खो दी, अब क्या करेंगे हम? इस पर अच्छे से पकड़ के रखना मोटू। आग इस तरफ आ रही है, पर पत्ती तो आग की तरफ जा रही है। ओह, मैं समझ गया। हे, तुम लोग अभी ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी चलो। मैं सबको इस ओर लेके आता हूँ। चलो मोटू। बताओ हमें क्या करना है? तो क्या योजना है? घास जमा करो, हम आग के साथ आग से लड़ेंगे। हम लोग घास का एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, सिम्बा जैसा कह रहा है वैसा ही करो सब। सैम, उस जगह को भी भर दो, बहुत अच्छे। सिम्बा, बकशॉट, क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं बगीरा? नहीं, बहुत धुआं है, कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कांव आ रहा है, हो सकता है उसने देखा हो। कांव? तुमने सिम्बा को देखा है? मैंने कांव, क्या तुमने मुझे सुना? ओ बगीरा, सिम्बा और बगशॉट दोनों पहाड़ पर हैं।
लगता है बहुत धुआं इसके अंदर चला गया है। एलेक्स को अभी बुलाना होगा। सब बच्चे? हाँ, इसने देखा है। चलो इसे जला दो। ये योजना बस काम कर जाए। काम बन गया। उसने कहा कि उसने उन्हें पहाड़ पर देखा था। क्या कहा पहाड़ पर? वहाँ तो चारों तरफ सूखी घास होती है बगीरा। ओह, मैं सुन सबको कुछ ना हो। बहुत अच्छी तरकीब। और हम दोनों ने मदद की। मतलब हम सब हीरो हैं। खासकर तुम दोनों, तुमने ही मुझे तरकीब बताई। हमने? हाँ। मजा आ रहा है। चमेली। शुक्र है तुम सब ठीक हो। ये सब सिम्बा की योजना थी। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुमने ये सब कैसे किया? हमने एक आग का गोला बनाया। आग से लड़ने के लिए आग। तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी भी। अपने पिता की तरह। तुमने जो भी किया उससे हम सबकी जान बची। अब थोड़ा साफ हो। अब क्यों ना तुम सबको नहला दिया जाए। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अपना सिम्बा बड़ा हो रहा है ना चमेली? हाँ, और वो अपने पिता के जैसा दिखने लगा है। और उनके जैसे काम भी। हाँ, उसने सबको बचा लिया है ना? कैसे हो दोस्तों? तुम सबको सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। तुम्हारा भी शुक्रिया अगस्त्या। आपकी सिखाई बातें हमारे काम आई। मुझे भी बताओ। तो हमने आग की लड़ाई आग से ही की। सच में? तो तुम्हें मैंने जो बताया था तुमने याद रखा? तुमने ध्यान से सुना? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ अगस्त्या? तुम? हाँ बोलो, ठीक है। एक तो मैं और पतलू आग के लपटों से भाग रहे थे और हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा पत्ता था, और जब हवा के एक झोंके ने हमें आग में गिरा ही दिया था तभी सिम्बा को ये तरकीब सूझी है ना? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने इन सब की जान बचाई। तुम भी तो सच्चे हीरो हो। तो क्या आप समझा सकते हैं ये सब कैसे हुआ? इन सब का मुख्य कारण है कि हवा ऊपर जाकर दबाव बनाती है, और ये दबाव जब ऊपर उठकर ठंडी हवा से टकराता है इससे एक और दबाव बनता है जो ऊपर की तरफ उठता है। हाँ, उसी की वजह से हमारी पत्ती हवा में ऊपर उड़ गई थी। मोटू चुप हो जाओ। माफ करना। और जब सिम्बा ने पत्ती को उड़ते हुए देखा तो उसने एक और आग लगाने की सोची, और वो पहली आग से टकराकर वहीं पर बुझ गई। और हमें लगा कि सिम्बा को स्कूल पसंद नहीं। नहीं, पर खेलना ज्यादा पसंद है। चलो अगस्त्या की किताबें कुछ काम की तो निकली। और खास तौर पर वो किताब जो अगस्त्या की हो। अगस्त्या का, अगस्त्या का, का।
देखो सब लोग जा रहे हैं। अगस्त्या देखो, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आग इंसानों ने लगाई होगी। वो हमारे जंगलों को जलाकर वहाँ खेती करना चाहते हैं। पर उन्हें इन सब से क्या मिलेगा अगस्त्या? वो खेती करके पैसे कमाना चाहते हैं। जो वो बोते हैं उससे पैसे कमाते हैं, पर वो ऐसा करके हमारे जंगलों को खत्म करना चाहते हैं। पर जब हमें पता है ये गलत है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। ए, मुझे समझ नहीं आया, अमीर बनने में गलत क्या है? क्या तुम वो ऊपर धुआं देख रहे हो? जब ये काला धुआं आसमान में जाता है तो हमारी ओजोन की परत को नष्ट करता है। ओजोन की परत, ये क्या होती है अगस्त्या? ये वातावरण की एक ऐसी परत है जो ओजोन गैस की होती है, जो काफी ऊपर होती है। वो तो बहुत दूर है अगस्त्या, वहाँ से क्या फायदा होता है? अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूरज की घातक किरणें हमारी धरती को नष्ट कर चुकी होती। इसका मतलब है ओजोन किरणों को रोकती है भालुओं के लिए। एक तरीके से हाँ, वो सूरज की खतरनाक किरणों को रोक देती है। ओह, फिर तो ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। हाँ, पर लगता है कि इंसान इस बात को भूल गए। उनको आग और धुएं से होने वाले नुकसान पता हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं, हानिकारक गैसें छोड़ती हैं। इंसानों को सब कुछ पता है, पर फिर भी वो भूल करते ही जा रहे हैं सिर्फ फायदे के लिए। ऐसे हमारी दुनिया खत्म करने नहीं दे सकते। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे सिम्बा। हमें धरती को बचाना ही होगा। हमको फिर से पेड़ लगाने होंगे, धरती को फिर से हरा भरा करना होगा, हमको जंगल को बचाना होगा। बस यही एक तरीका है दुनिया को तबाही से रोकने का। चलो काम पर लग जाते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो, यही सही मौसम है पेड़ को उगाने का। और हम सब जले पेड़ों को हटा देंगे और हम नए बीज ढूंढ कर लाएंगे। तबाकी कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तुम इतनी देर बाद आए, और ये क्या जला हुआ खरगोश लाए? बेवकूफ कहीं के। हुजूर, आग लगने की वजह से कुछ भी नहीं बचा, मुझे सिर्फ यही जला हुआ खरगोश मिला है। आज ये खा लीजिए। तुमने कभी किसी राजा को जला हुआ खरगोश खाते देखा? कोई बात नहीं। बेवकूफ, मुझे दे। हट जा। जला हुआ नहीं खाते हुजूर। तुम कह रहे थे कि आग खतरनाक थी,
इसका मतलब सिम्बा भी उस आग में जलकर खत्म हो गया होगा। काश वो मुझे मिल जाता। पर तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना था। पर और कुछ नहीं था। क्या मतलब है? सब जा रहे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं बचा। झूठ है। नहीं सच है। तो हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई शिकार नहीं बचेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ। आज हमारे दोस्तों की होशियारी से पूरा जंगल तबाह होने से बच गया और वो सब जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों से लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।